हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद आज फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रहा हूँ बेसन कढ़ी। तो अब हम सब चलते हैं रेसिपी की ओर। 300 ग्राम मैंने बेसन लिया है, अब इसे हम भूनेंगे। एक कढ़ाई मैंने चढ़ा लिया है, अब इसे हम गर्म होने देंगे। ये गर्म हो चुका है, अब इसमें हम ये बेसन डालेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। ये भुना चुका है, अब इसे हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। अब इसमें हम तेल डालेंगे। तेल हम 2 चम्मच डालेंगे। अब इसे हम गर्म होने देंगे। अब ये गर्म हो गया है, अब इसमें हम मसाले डालेंगे। इसमें 4 सूखे लाल मिर्च, 4 तेज पत्ते, 1 छोटा चम्मच हींग और सॉरी 1 छोटा चम्मच फोरन, 2 मिनट के लिए सीम गैस पे चलाएंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी हम दोबारा डालेंगे इसमें। हम 1 कटोरा ये दोबारा पानी डालेंगे। अब इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार। अब इसे मिला लेंगे।
इसमें हम ये दही डालेंगे। हम मिला लेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। अब इसमें हम ये दही डालेंगे। इसे हम मिला लेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। अब इसे हाई फ्लेम पे 5 मिनट ढक देंगे। हमारे 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं। अब हम इसे बंद कर देंगे। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो अब हम एक पैन चढ़ाएंगे। उसमें हम घी डालेंगे। घी हम 2 चम्मच डालेंगे। अब इसे हम गर्म होने देंगे। ये गर्म हो गया है। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, 2 सूखे लाल मिर्च। इसे थोड़ा तड़कने देंगे। अब इसे हम तड़का लगा देंगे। अब इसे हम मिला लेंगे। ये तैयार हो चुका है।
अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।